नमस्कार दोस्तों, उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक टोन बनाएंगे और टोन बनाएंगे हम बैंजो की। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कीबोर्ड स्टार्ट करना है अपना। ठीक है दोस्तों, और मैं जो टोन ले रहा हूँ, इसमें मैं ले रहा हूँ ये वाली 27 नंबर की कपल HPS का, है ना। अब देखिए, इसका जो साउंड है वो ये निकल के आ रहा है। मैं टच भी ऑफ कर देता हूँ, लीजिए। ये साउंड आ रहा है इसका निकल के, देखिए। और वॉल्यूम मैंने क्या हुआ है, 50 से भी ऊपर। देखिए कितना वॉल्यूम मैंने किया हुआ, 70% वॉल्यूम मैंने किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपने को क्या करना है, फंक्शन में जाना है अपने को। फंक्शन को लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। और फंक्शन में अपने को क्या करना है, अटैक टाइम, ठीक है। अटैक टाइम इसका 77 रखना है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे हम 3 नंबर से, देखिएगा। आगे 3 नंबर से बढ़े हम, इसका जो रियल टाइम है दोस्तों, वो अपने को बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, इसको हम कम कर देंगे 55। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम कट ऑफ। कट ऑफ दोस्तों इसका रखेंगे हम बहुत कम, इसको कट ऑफ को हम कम कर देंगे काफ़ी। कट ऑफ हमने 18 कर दिया इसका। आगे बढ़ेंगे हम रेजोनेंस दोस्तों, ठीक है। रेजोनेंस इसका और कम कर देंगे हम, फोर्टी थ्री कर दिया रेजोनेंस इसका। वाइब्रेटो एंटर कर जाएंगे 6 नंबर से दोस्तों हम, ठीक है। और अभी हमारा वाइव टाइप बन आया, ठीक है। तो वाइव टाइप हम इसका बढ़ाएंगे, SQR वाला ये हमने ले लिया। वाइव डेप्थ, वाइव डेप्थ दोस्तों इसके हम बिल्कुल 0 कर देंगे। मैं इसलिए जल्दी जल्दी ये बता रहा हूँ कि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे वाइब्रेट, ठीक है। वाइब्रेट को भी हम कम कर देंगे काफ़ी। वाइव रेट हमने कर दिया इसका 14, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम वाइव डिले दोस्तों, तो वाइव डिले को भी हम कम कर देंगे, इसको हम 20 कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अच्छा अब यहाँ से हम निकल जाएंगे, एग्जिट करेंगे यहाँ से, एग्जिट, ठीक है। वाइव रेट हो, अब 3 नंबर से आगे बढ़ेंगे हम ऑक्टेव, ठीक है दोस्तों। तो ऑक्टेव इसका हम माइनस कर देंगे, -1। थोड़ा सा इसका साउंड अच्छा हो गया है ना, तो -1 मैंने इसका ऑक्टेव कर दिया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम वॉल्यूम, वॉल्यूम दोस्तों इसका आपको बढ़ा के रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम मैं इसका कर दूंगा फुल 127, ठीक है। और यहाँ से अब मैं कम कर लेता हूँ वॉल्यूम थोड़ा सा, ठीक है। मैंने अप्रोक्स 50 यहाँ वॉल्यूम कर दिया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम वेल सेंस दोस्तों, ठीक है। वेल सेंस इसका 63 रखेंगे हम। रिवर्ब सेंड दोस्तों, रिवर्ब सेंड इसका हम कम कर देंगे, रिवर्ब सेंड मैंने दोस्तों इसका 15 कर दिया है। कोरस सेंड दोस्तों, कोरस सेंड इसका बिल्कुल ही बंद कर देंगे, बंद ही है ये। आगे बढ़ेंगे डिले सेंड दोस्तों, डिले सेंड इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, मैंने इसका 12 कर दिया है। DSP, हाँ दोस्तों ये है मेन चीज। अब इसको, सॉरी, DSP को हम एंटर करेंगे, इसको ऑन रखना है आपको दोस्तों,
डीएसपी को रखना है ऑन, ठीक है। और अब इसके अंदर हम एंटर करेंगे तो हमें देखिए इसमें 27 नंबर की लग रही है ये, तो और हम देख लेते हैं आगे 21 नंबर की। दोस्तों आपको न्यू एज पैन के नाम से डीएसपी देखिए, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट आया है। ठीक है दोस्तों, इतना सब करने के बाद में आपको एग्जिट करना है दोस्तों, ठीक है। एग्जिट, अब ये पूछ रहा है एग्जिट श्योर, तो यस। अब ये पूछ रहा है क्या इसको राइट करना है आपको, तो यस। अब देखिए ये 812 नंबर पर मेरे सेव हुई है और इसका नाम मैं लिख देता हूँ बेंजो वन। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, टोन नेम एंटर बेंजो बी ई एन एन जे हाँ जे एच आई जे ओ, ठीक है। और मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ इस पर, एस के 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 एन ठीक है। अब मैंने वेंजो एस के एन कर दिया, एंटर कर दिया मैंने। अब ये पूछ रहा श्योर, तो यस कर देंगे यहाँ से, यस कर दिया दोस्तों आपने, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे तो हमारे ये 812 नंबर पे बेंजो एस के एन लिखा हुआ है। तो इतनी प्यारी है टोन, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी टोन इतनी बन गई, और इतनी टोन बनने के बाद अब दोस्तों मैं इसको किसी नंबर पे ले जाके सेव करूँगा, ठीक है। तो मैं बैंक निकाल लेता हूँ, मैं पहले पीछे के बैंक में करूँगा इसको सेव, इसे 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर के 8 नंबर पे मैं इसको सेव करूँगा, तो स्टोर प्लस 8, जिस नंबर पे आपको सेव करनी है आप उस नंबर पे सेव कर दीजिए, यहाँ लिखा हुआ आ गया वो, ठीक है। अब मैंने इसको 15 नंबर के बैंक पे सेव कर दिया, इतने पैरामीटर मेरे सेट हो गए, ठीक है दोस्तों। अब मुझे इसके अंदर अगर लेयर करना है तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से ये लेयर का बटन है, इसको दबा के दबा आया मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये टोन आई, और मुझे यहाँ पर टोन लगानी है दूसरी, ठीक है। तो मैं देखिए अलग अलग टोन के अलग अलग तरीके से सब कुछ होता है, तो यहाँ पर मैं देखिए ये गिटार थ्री, क्लीन गिटार थ्री की मैं ये टोन लगाऊंगा, और इस अभी ये क्लीन गिटार की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आ रही है, तो इसकी आवाज़ भी हमें सेट करनी है दोस्तों, ठीक है। और लेयर में आपको जो भी टोन लगानी है दोस्तों, आप वो टोन लेयर में इधर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ, जैसे मैंने स्प्लिट को प्रेस किया, सॉरी हाँ, तो एक मिनट, तो इसका स्प्लिट ये एकॉस्टिक बेस, अब इसमें डबल लेयर हो रही है, तो अब देखिए लेयर में मैंने कौन सी टोन लगाई, एकॉस्टिक बेस वन, और एक कोई स्ट्रिंग की टोन है इस पर, है ना।
तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अभी दोस्तों अपने को क्या करना है, तो अपने को अभी दोबारा से इसके अंदर जाना है। तो हमने क्या करना है कि हमें इसकी सेटिंग कुछ करनी है। तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन, ठीक है फंक्शन, अब देखिए यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे होंगे तो हाँ ये मिक्सर और कीबोर्ड दोनों लिखे हुए आते हैं, और यहाँ पर एक नंबर मेरा बिलिंग कर रहा है, तो दो नंबर को मैं प्रेस करूँगा। एक नंबर का वॉल्यूम मेरा 127 है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको इसकी सेटिंग करनी है, और जो दो नंबर की टोन है उसका वॉल्यूम मैं डाउन कर दूँगा। तीन नंबर से जाएंगे तो दो नंबर का मेरा जो बहुत ज़्यादा तेज़ से आ रहा था साउंड, थोड़ा बढ़ा के देख लेते हैं। और कम कर देंगे इसको हम, दूसरे ऑक्टेव में देखिए मैं बजा रहा हूं इसको। आप किसी भी ऑक्टेव में इसको प्ले कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा काम रह गया दोस्तों हमारा, तो दो नंबर का मैंने कर दिया। अब मैं एक नंबर पर वापस जाऊंगा, पेन जीरो रखने हैं मुझे सबके। अब देखिए रिवर्ब सेंड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो आपका रिवर्ब सेंड है वो हम नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, या आप रखना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे। कोरस सेंड वो भी मैंने जीरो रखा है। डिले सेंड को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें हल्का डिले चाहिए। तो मैंने इसको 40 कर दिया है, ठीक है। अब मैं दूसरे नंबर का देखता हूँ साउंड। दूसरे नंबर में डिले सेंड, इसमें भी मैं बढ़ा देता हूँ, तो इसमें भी लगभग उतना ही मैं कर देता हूँ दूसरे में भी। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम मैंने 110 किया, पेन जीरो रखा मैंने इसका। जो रिवर्ब सेंड है दोस्तों इसका, वो इसका 8 है, ठीक है। 8 नंबर का मैंने इसका रिवर्ब सेंड कर दिया है। थोड़ा सा ब्लर हो जाता है कैमरा, ठीक है दोस्तों। तो ये सेटिंग आपको करनी है, और फिर इन सेटिंग को ले जाके आपको सेव कर देना है उसी, जैसे यहाँ देख रहे हैं मेरा 15 नंबर का बैंक है, और मैं एक नंबर पे मैंने उसको सेव किया था, तो यहीं मैं ले जाके इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा सेव हो गया इसमें, और इधर मेरा कॉर्ड भी सेव हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि हम यहाँ से, अभी हमारा हो गया, अब एग्जिट कर जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है दोस्तों। और अभी अपने को क्या करना है, थोड़ा सा पार्ट अपने को सेटिंग के अंदर करना है, मिक्सर फंक्शन के अंदर। तो हम इसको एक बार टच करेंगे, टच इसका ऑफ कर दिया दोस्तों मैंने। आप चाहें तो इसको नॉर्मल लाइट और हैवी आप टच रख सकते हैं, तो मैंने ऑफ किया हुआ है इसका। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है तीन नंबर से, और आपका आगे बढ़ते जाना है आपको थोड़ा रिवर्ब, ठीक है दोस्तों। अब रिवर्ब क्या करना है आपको, रिवर्ब 15 नंबर का ही मैंने रखा है, आगे बढ़ेंगे। कोरस 1 रखा है दोस्तों मैंने इसका। डिले, डिले को दोस्तों आप कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे ये रखेंगे आप तो ये टोन का आ गया। अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो आप और आगे जा सकते हैं, जैसे ये लॉन्ग पेन आ गया। तो इसको मैंने 14 का रख दिया दोस्तों। इक्वलाइजर मैंने 11 रखा है इसका, ठीक है। और यही सेटिंग आपको करनी है बस, और इसको करने के बाद में आपको फिर से स्टोर कर देना है इसको उसी टोन के नंबर पर। तो मैंने स्टोर कर दिया, और दोस्तों आपकी ये बैंजो की टोन बनके तैयार हो गई है ना। एग्जिट कर जाएंगे हम, सॉरी।
तरीके से दोस्तों आप अपनी बैंजो की बहुत सुपर टोन बना सकते हैं। और दोनों ऑक्टेव में आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करिए ताकि आप जैसे बहुत सारे भाइयों का भला हो सके। थैंक यू दोस्तों।